नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में आज हरियाणा पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लामबंद होकर दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर वकीलों द्वारा बोले गए हमले की निंदा व्यक्त की है। गौरतलब है कि दिल्ली में वकीलों व पुलिसों का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। आज भिवानी में भी हरियाणा पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वकीलों ने पुलिस के ऊपर जो जानलेवा हमला किया है, इसकी हम निंदा व्यक्त करते हैं और इस मामले में न्यायपालिका व दिल्ली पुलिस को न्याय देने का काम करें। जिस प्रकार से वकीलों ने वर्दी के ऊपर हाथ उठाया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको 15-15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। दिल्ली की पुलिस के साथ वकीलों द्वारा जो पुलिस के साथ झगड़ा किया गया है, ये बिल्कुल एक कानून के जाता होते हुए इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने पुलिस की बेइज्जती की है, पुलिस की वर्दी की बेइज्जती की है, इससे कोई भी कानून व्यवस्था आगे भविष्य में ठीक नहीं रहेगी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो। और हम जो ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के पास डी साहब के माध्यम से भेज रहे हैं और जो भी मतलब पुलिस की जो दिक्कत है उन मुलाजिमों के साथ मारपीट हुई है, उनके इलाज के लिए सरकार 15-15 लाख रुपए बतौर मुआवजा दे और उनका इलाज उचित करवाए। और इस संघर्ष की घड़ी में हरियाणा पुलिस रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी के हम साथ हैं। क्या नाम है? प्रधान महेंद्र सिंह सीटवाल।